मैं भी देख रहा हूं कि लोग, क्योंकि अल्लाह ने हमें बचा लिया था, लोग बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे, बाहर पब्लिक जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं कर रहा। और उसका बड़ा ख़तरनाक हो सकता है कि अगर ये फैल गया, हम तो अभी तक अपने लोगों को बचा रहे हैं, हम लॉकडाउन नहीं कर रहे, हम अपनी फैक्ट्रियां नहीं बंद कर रहे, हम सिर्फ थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं ताकि ये वेव तेज़ी से ना फैले। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये फैल गया तो इसका तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और हम मजबूर हो जाएंगे कदम उठाने पर। इसलिए अपनी भी मदद करें, अपनी कौम की मदद करें। ये जो मास्क है, ये मैं सबसे ताकीद करता हूँ कि ज़रूर पहनना शुरू करें। हमें पता है कि जब ये सारी दुनिया के अंदर जब लॉकडाउन हुआ तो सबसे ज़्यादा मुतासिर गरीब लोग हुए उस मुल्क के, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, हर अमीर तरीन मुल्क के भी गरीब लोग सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। अंदाज़ा लगाया जाता है कि 15 करोड़ लोग दुनिया के अंदर गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं ये एक साल के अंदर लॉकडाउन की वजह से। तो हमारे लिए एक जिम्मेदारी है कि हम प्रोटेक्ट करें अपने गरीब लोगों को। इसलिए मैं शुरू इससे करता हूं कि सब जिधर आप जाएं, ख़ास तौर पे बंद कमरों में मास्क पहनें, बसेस में बैठें, गाड़ियों में बैठें, जिधर भी पब्लिक हो मास्क ज़रूर पहनें।